नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। पांचवी बार धरती सबसे गर्म होने के ट्रैक पर नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इस साल गर्मी ने अपना नया ही रूप दुनिया को दिखाया है। गर्मी अपने समय से पहले आ गई, वह भी भीषण रूप में। 2022 में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्मी की शुरुआत मार्च के महीने में ही हो गई। 143 सालों में इस साल मार्च का महीना पांचवां सबसे गर्म मार्च रहा है। नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन के वैज्ञानिकों के मुताबिक 1880 के बाद से अब तक का यह साल दुनिया का पांचवां सबसे गर्म साल है। नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की मासिक वैश्विक जलवायु रिपोर्ट से जुड़ी कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है। मार्च 2022 में औसत वैश्विक भूमि और समुद्री सतह का तापमान -16.42 डिग्री सेल्सियस था। यहां 22वीं सदी के औसत 12.7 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। ग्लोबल क्लाइमेट रिकॉर्ड में इस साल का मार्च महीना पांचवा सबसे गर्म मार्च था। इस साल मार्च का महीना लगातार 46वां मार्च और लगातार 447वां महीना रहा है, जो 20वीं सदी के औसत तापमान से ज्यादा था। अगर क्षेत्रीय तौर पर देखें तो यह ओशियन का चौथा सबसे गर्म मार्च था, जबकि एशिया का 9वां सबसे गर्म मार्च था। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका सभी जगह का मार्च तापमान औसत तापमान से ऊपर था। 2022 में अब तक वैश्विक भूमि और समुद्र की सतह का तापमान औसतन -16.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। इस हिसाब से यह साल रिकॉर्ड किए गए अब तक के सालों में पांचवां सबसे गर्म साल है। एशिया में भी यह साल अब तक का पांचवां सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, कैरिबियन क्षेत्र और ओशियन में जनवरी से मार्च तक का तापमान 9वां सबसे गर्म समय रिकॉर्ड किया गया। अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका भी औसत से ज्यादा गर्म थे, लेकिन 2012 और 2014 के बाद यह उनका अब तक का सबसे ठंडा साल था। मार्च 2022 के दौरान दुनिया में कुछ सबसे अहम जलवायु घटनाओं का एक नक्शा तैयार किया गया है। इन घटनाओं में पाया गया है कि ध्रुवों पर समुद्री बर्फ कम थी। अंटार्कटिका समुद्र का आइस कवरेज सिर्फ 1.9 मिलियन वर्ग मिला था, जो मार्च के 44 साल के रिकॉर्ड में दूसरी बार सबसे कम था। इससे पहले केवल 2017 के मार्च में समुद्री बर्फ कम देखी गई थी। आर्कटिक महासागर पर समुद्री बर्फ की सीमा औसतन 5.63 मिलियन वर्ग मिली थी, जो कि 1969 से अब तक के रिकॉर्ड में मार्च के लिए 9वां सबसे कम कवरेज था। मार्च में विश्व स्तर पर 9 ट्रॉपिकल स्टॉर्म आए, जो मार्च में आए अब तक के ट्रॉपिकल तूफानों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी। इससे पहले मार्च 1994 में 10 तूफान देखे गए थे। इन 9 ट्रॉपिकल तूफानों में से केवल 3 चक्रवाती या साइक्लोन तक पहुंचे थे। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।